गढ़वा में रामनवमी का भव्य जुलूस निकाला गया। इस जुलूस में महाराष्ट्र सहित कई राज्यों के कलाकार पहुंचे थे। वहीं गढ़वा शहर के लोगों ने भी बड़ी तादाद में शोभा यात्रा में हिस्सा लिया। शहर के रंका रोड पर शोभा यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए। शोभा यात्रा में भक्ति गानों पर युवक और युवतियां सहित सभी लोग झूमते नजर आए। कार्यक्रम में आए कलाकार भी आकर्षण का केंद्र रहे। इस शोभा यात्रा में भगवान राम की झांकी भी निकाली गई। कार्यक्रम में बच्चे भी अपनी प्रतिभा दिखाने में पीछे नहीं रहे। कार्यक्रम में किसी तरह की दिक्कत न हो इसके लिए गढ़वा के डीसी और एसपी खुद शहर में पैदल मार्च करते हुए नजर आए। रामनवमी की शोभा यात्रा में गढ़वा के युवाओं ने बड़े उत्साह से हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में बीजेपी नेता बीडी राम और झारखंड के पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर भी मौजूद रहे। पंजाब केसरी टीवी के लिए गढ़वा से अभय तिवारी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।